सर हमारा मीटिंग स्टूडेंट डेलीगेशन ORN से थे हम लोग, तो हमारी मीटिंग MCD कमिश्नर के साथ हुई। ये मीटिंग एक फ्रूटफुल हुई, बाकी MCD एक प्रेस रिलीज निकालेगी। जो हमारी डिमांड्स थी, जो MCD के अंदर में आता है, वो उस पर प्रॉपर एक्शन ले रही है, प्रॉपर काम करेगी, और ये आश्वासन दिया गया मुझे हमें, और ये MCD एक प्रेस रिलीज निकालेगी। बाकी एजेंसियां भी अपनी कम्युनिकेट कर रहे हैं बाकी एजेंसियों से भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी एजेंसियां इन्वॉल्व है, तो बाकी हम लोग आश्वस्त किया गया है कि प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा, प्रॉपर इन पे कार्य किया जाएगा। उस समय पर क्या करेंगे, स्ट्रेटजी क्या होगी? अगर हम इसके बाद सर हम अभी जो MCD सर से बात हुई है, हमारी MCD कमिश्नर सर से, हम उनकी बात आश्वासन का पालन करेंगे, और अभी हम थोड़ी उनका वेट एंड वॉच करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद है, और अभी हमारी MCD के कमिश्नर से बात हुई है। कमिश्नर के सामने हमने जितनी भी मांगे थी, कम से कम 20 विद्यार्थियों ने हमें ज्वाइन किया था, जो ORN के विद्यार्थी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी उन्होंने ज्वाइन किया था। मेनली ये है कि हमने मांग रखी है, हमें आश्वस्त किया गया है कि एक समय एक रूपरेखा में काम पूरा होगा, लेकिन हम ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर समय सीमा में जो काम था, जो मुआवजे की बात की गई है और जितने भी प्रोमिसेस किए गए हैं, अगर वो पूरे नहीं होते हैं, तो हम लोग ORN में ही नहीं, अब की बार हम विधानसभा जाके या कहीं और जाके भी घेराव करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, यदि हमारी मांगे पूरी हैं। जी अभी के लिए हमने जो प्रोटेस्ट है वो पानी हमारा वहीं पिला दिया गया था, तो प्रोटेस्ट अभी के लिए हम बंद कर रहे हैं, लेकिन हमें इंतजार रहेगा कि हफ्ते 10 दिन में जितनी भी मुआवजे वाली चीजें हैं और जो लीगल एक्शन है, FIR वाला काम था, वो जो जितनी भी लीगल टेक्निकलिटीज है, तो कोर्ट में लंबित है। देखिए MCD ने जो भी कार्रवाई की है, अगर अभी एक बारिश होती है, सारी पुल खुल जाएगी, हमारा कहना सिर्फ इतना है। तो हमें देखना है कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है, अगर फिर से वही प्रॉब्लम परसिस्ट होती है, हम वहीं रहेंगे और वहीं पे बैठे रहेंगे। सर बाला नाम है, हम कहते हैं सर MCD साइड से हमने वही पॉइंट्स रखे जो हमारी बड़ी बेसिक सी डिमांड्स थी। पहला पॉइंट वही था कि जो वाटर लॉगिंग का इश्यूज है उसका हो। सेकंड सर कंपनसेशन के सारे इश्यूज कहते क्लियर होने चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स के सर कैजुअलिटीज हुई है उनकी फैमिली प्लस उनका कहते कंपनसेशन क्लियर होना चाहिए। एंड थर्ड डिमांड वो थी जितने भी बेसमेंट में कहते ओल्ड राजेंद्र नगर लाइब्रेरीज या फिर कहते कोचिंग्स वगैरह चल रहे हैं, उनके ऊपर कहते एक्शन होने चाहिए। सो कहते वी आर हैप्पी वो कहते एग्रीड हुए हैं MCD नगर, वी आर कंसल्टिंग योर ऑल पॉइंट, जैसे उनके पॉइंट्स कहते हो जाएंगे, वी आर वेटिंग फॉर द ऑफिशियल प्रेस रिलीज, और जब भी प्रेस रिलीज आएगा सर उसके बाद में हम प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे। सर हम वी आर वेटिंग फॉर द प्रोटेस्ट कहते टू बी इन कहते हैं, ऑफिशियली तो हो चुका है, बट स्टिल कहते वी आर वेटिंग फॉर द ऑफिशियल रिलीज। जब तक ऑफिशियल रिलीज नहीं आएगा BR का एट द प्रोटेस्ट साइड, तब तक हम कंटिन्यू रखेंगे। अरे पीछे रिफ्लेक्शन आई है, क्या फायदा होगा? जी हर्ष गुप्ता, जी हमारी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई थी, तो जो हमारी बेसिक डिमांड जो हमने वहाँ प्रोटेस्ट साइट पर रख रहे थे, उन्होंने हमारी ज्यादातर सभी मांग जो वो अपने हैंड से बहुत ही इमीडिएट पूरी कर सकते थे, उन्होंने सब पे मांग पूरी करी है। जैसे कि कंपनसेशन की बात थी, तो उन्होंने कहा हमारे MCD के हक में जितना आता है वो तो हम रिलीज कर ही देंगे। उसके अलावा जो कोचिंग वालों से हमारा ठीक है, कोचिंग वालों से मदद लो, तो उन्होंने कहा कि कल उनसे बात हुई थी तो वो लोग करीब 3 करोड़ रुपए देने के लिए राजी हुए हैं राव IAS के अलावा। बाकी के सारे कोचिंग वाले जब LG साहब के यहाँ गए थे, तो इन लोगों ने अपनी वहां बोला था कोचिंग वालों ने कि हम देंगे, तो हो सकता है शायद ये लोग 3 करोड़ रुपए दें। तो MCD ने जो कार्रवाई किया इस घटना के बाद, आप लोग उससे खुश नहीं थे क्या? हाँ MCD की कार्रवाई कह सकते हो, उन्होंने कुछ अपनी एक दो JEE को और बाकी लोगों को सस्पेंड किया है, बट हमें मतलब कार्रवाई से नहीं है, हमें तो मतलब इससे है कि जमीनी धरातल तौर पे कुछ काम होना चाहिए ना, जो कि ये इंसिडेंट दोबारा नहीं हो। जैसे राव IAS है, अभी 1 महीने पहले वहाँ पानी भरा गया था। तो आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे या फिर बंद कर देंगे? LG साहब ने हमसे वादा किया है कि वो एक प्रेस रिलीज करेंगे, और जो भी मांगे थी उसमें वो बोलेंगे कि हम उनको पूरी कर रहे हैं, और कैसे कैसे पूरी करेंगे, कितने समय में पूरी करेंगे। अगर इनकेस वो प्रेस रिलीज नहीं हो पाती है, तो हम अपना फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर सकते हैं।